तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फीलिंग थंडर के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिन पहले 600 सीसी के अंदर फुल फेयरिंग बाइक के बारे में आपको बताया था, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया उसमें। इसीलिए आज हम 600 सीसी के अंदर बेस्ट निकेट बाइक के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो 5 बाइक को मैंने चूज़ किया है, जिसके अंदर स्ट्रीट फाइटर एंड कुछ कैफे रेसर बाइक भी शामिल है। तो दोस्तों, इन सभी बाइकों के बारे में जानने के लिए वीडियो को जरूर से पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करके लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। पहले जिस बाइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है कावासाकी Z650। तो दोस्तों, इस बाइक के बारे में कौन नहीं जानता। ये बाइक आपको बेस्ट प्राइस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है और लुकिंग वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, इस बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है दिल्ली में वो है 6.43 लाख। आप जहाँ का एक्सोरूम प्राइस जानना चाहते हो वो आप गूगल कर सकते हो या पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 649 सीसी पैरेलल ट्विन 4 वाल्व पर सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन मिल जाता है, जहाँ पर आपको 6 गियर दिया गया है। यानी इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 68 BS 8000 RPM पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 64 न्यूटन मीटर 6700 RPM पर। तो अब बात कर लेते हैं ये बाइक 1 लीटर में कितना ज़्यादा जाता है, मतलब माइलेज के बारे में। तो दोस्तों, ये बाइक का माइलेज है 19.02 किलोमीटर पर लीटर का एंड इस बाइक में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 15 लीटर्स का। तो परफॉर्मेंस वाइज माइलेज एंड टैंक कैपेसिटी लगभग ठीक ही है। और इसका वेट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 191 केजी का वेट मिल जाता है, जो कि कार्ब वेट है एंड इसका सीट हाइट है 790 mm। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 130 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसका जो टॉप स्पीड लगभग 208 किलोमीटर पर आवर का आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, किसी भी बाइक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं और एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो नेक्स्ट जो बाइक है वो है होंडा CB650R। तो दोस्तों, ये जो बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है एंड इसका जो राउंड हेडलैम्प है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, थोड़ा बहुत कैफे रेसर टाइप का। एंड इसका जो प्राइस है वो है 9.14 लाख, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये प्राइस ठीक ठाक ही है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको 648.72 cc इंजन के साथ आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि 4 वाल्व पर सिलेंडर के साथ आता है एंड इसमें आपको लिक्विड कूलिंग एंड 6 गियर तो देखने को मिलता ही है। और इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 85.82 bhp 12000 RPM पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 57.5 न्यूटन मीटर 8500 RPM पर। एंड इसमें आपको माइलेज देखने को मिलता है 20 to 25 kmpl का एंड टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है 15.4 लीटर का। एंड इस बाइक के वेट एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो इसमें आपको वेट देखने को मिलता है 206 kg का एंड सीट हाइट है 810 mm का। एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा 220 to 225 किलोमीटर पर आवर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे अगले नंबर पर जो बाइक है वो है ट्रैम की तरफ से ट्रैम ट्राइडेंट 660। तो दोस्तों, ट्रैम तो जाना जाता है अपने बेस्ट इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन के कारण। तो दोस्तों, इस बाइक का जो प्राइस है वो है 7.68 लाख एंड इसमें आपको 660 cc का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको पर सिलेंडर 4 वाल्व मिल जाता है एंड लिक्विड कूलिंग एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब 6 गियर देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp 10250 rpm पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 64 न्यूटन मीटर 6250 rpm पर। एंड इस बाइक में आपको 17.47 kmpl का माइलेज आपको मिल जाएगा। एंड टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और इस बाइक का कार्ब वेट है 189 kg का एंड सीट हाइट है 805 mm का। तो दोस्तों, इस बाइक का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी सब बाइकों से। और इस बाइक का टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 200 to 212 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो बाकी दोनों बाइकों के बारे में बताने से पहले, जिसने भी अभी तक इस बाइक को लाइक नहीं किया है ना, वो जल्दी से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो।
जैसे लाइक कर दो और हम चलते हैं बाकी दोनों बाइक के ऊपर। बात कर लेते हैं बेनेली लियोनचिनो 500 के बारे में। तो दोस्तों ये जो बाइक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाइक है अगेन, क्योंकि दोस्तों इन पांचों ही बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी एक राउंड हेडलैम्प बाइक है। तो दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस सबसे कम है, इस बाइक का एक शोरूम प्राइस दिल्ली में 5.60 लाख है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज भी ये बाइक थोड़ा सा कम है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 500cc का इंजन मिल जाता है जो कि इनलाइन 2 सिलेंडर के साथ आता है। एंड इस बाइक का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनलाइन 2 सिलेंडर जो कि आपको मिल जाता है, तो 2 सिलेंडर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको 4 फाल्स पास सिलेंडर मिल जाता है एंड लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, एंड 6 गियर तो आपको मिल ही जाता है। एंड इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 46.8 bhp 8500 rpm पर, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 46 Nm का जो कि 6000 rpm पर। एंड इसका माइलेज 25 km/h का मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन टैंक कैपेसिटी थोड़ा सा कम है। इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 12.7 लीटर का। एंड वेट की अगर बात करें तो जो कि कार्ब वेट है वो है 207 kg का, एंड सीट हाइट है 790 mm का, मतलब सीट हाइट थोड़ा सा लो है। और इसके टॉप स्पीड की अगर बात करें तो इसमें आपको 175 km/h का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो बाइक है उसका नाम थोड़ा सा मतलब दिमाग में नहीं आता है यार क्या नाम है, तो वो है मोटो मोरिनी की तरफ से सेमेजो। तो दोस्तों ये बाइक का एक शोरूम प्राइस लगभग आपको 6.89 लाख से 6.99 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड इस बाइक में आपको 649cc का इनलाइन 2 सिलेंडर, अगेन इनलाइन 2 सिलेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि इस बाइक में आपको मिल जाता है, एंड 4 वाल्व पास सिलेंडर मिल जाता है, एंड लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, और 6 गियर तो आपको मिल ही जाता है। और ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 54.24 bhp 8250 rpm पर, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 54 Nm 7000 rpm पर। एंड इस बाइक में आपको माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, लगभग 25 to 28 km/h का। एंड टैंक कैपेसिटी अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, 15.5 लीटर्स का। एंड इसका जो कार्ब वेट है वो है 215 kg का, एंड सीट हाइट है 785 mm का जो कि थोड़ा बहुत लो साइड है। एंड इसका जो टॉप स्पीड है वो है 175 km/h का। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है इसका टेल लैंप एंड इसका इंडिकेटर जो बहुत ज़्यादा कूल है यार। तो दोस्तों इन सभी बाइकों में से आपको कौन सा बाइक पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप 600 कैटेगरी का एडवेंचर बाइक और रेट्रो लुकिंग बाइक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना यार। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आप छेड़खानी ना करो तो। फिर गुड बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।